क्या कर रहे हो? अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम भी तो नहीं? क्या हुआ? ये पॉपकॉर्न खाने का टाइम है। तो भूख लग रही थी और नींद भी नहीं आ रही। तुम भी ना खानी, नहीं सुधरोगी। कागज कर क्या रहे हो? लड़कियां देख रहे हो? पागल पागल हो गए हो क्या? लड़कियां देख रहे हो? स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है यार, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ। प्लस यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे कि आपके फादर के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वही दे। सारे, तुम वाकई चले जाओगे? खानी, 2 साल की तो बात है, फिर वापस आकर मामा बाबा की जिम्मेदारियां भी तो बांटनी है ना। 2 साल बहुत होते हैं सारे, मैं बचपन से आज तक तुमसे अलग नहीं हुई हूँ। टू एन हो तुम मेरे, तुमसे अलग होके कैसे रह सकती हूँ? तो यार, हम कोई बाजू चोट में तो नहीं है ना, जो अलग ही नहीं हो सकते? और जब तुम्हारी शादी होगी तो? प्लीज, मैं नहीं करी कोई शादी वादी। तुम्हें पता है ससुराल इतनी खौफनाक होती है, मैं यही ठीक हूँ अपने घर में। एक बात बोलूं खानी, थोड़ा बहादुर हो जाओ। वैसे भी 2 महीनों में मैं चला जाऊंगा, फिर तुम अकेली क्या करोगी? कोशिश तो करती हूँ, तो नहीं, क्यों डर लगता है मुझे? किससे डर लगता है खानी? अल्लाह है तुम्हारे साथ, मामा की दुआएं हैं, तो फिर क्यों डरती हो? और अपनी लाइफ के साथ कुछ करो यार, तुम्हारे अंदर इतनी खूबियां हैं, मतलब इतनी अच्छी पेंटिंग्स करती हो खानी, यूं बीबीए करके घर बैठ जाओगी, क्या फायदा? अच्छा ना, आई विल ट्राई, लेकिन प्लीज अभी अपने जाने का बोल बोल के मुझे टेंशन मत दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी प्यारी ट्विन सिस्टर, एक बात याद रखना, दुनिया में जीने के लिए ना हिम्मत करनी पड़ती है, इस बात को समझो। अच्छा भाई, बहुत पॉपकॉर्न हो गए, अब मुझे इंग्लिश भेज देना, ठीक है? बहुत लेक्चर्स भी हो गए। वैसे यार, तुम्हें कोई अच्छा फ्लेवर नहीं मिला था पॉपकॉर्न का? छोड़ो ना, चुप हो जाओ। क्या हो गया तुम्हें? क्या मतलब चुप हो जाओ यार? मतलब उनके साथ अगर गार्ड से, तो वो जो मर्जी चाहे कर ले, और हम उन्हें रोके भी नहीं। कोई तो रोकता उन्हें। बहन, अगर अभी पकड़ भी लूंगा तो बाद में छोड़ना पड़ेगा, और ये वर्दी भी उतारनी पड़ेगी। क्यों मेरे नौकरी के पीछे हो? तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? इतना दुख है तो उसका रक्षा तुम ही बनवा दो, ठीक है ना? छोड़ो ना तुम। खानी, क्या मतलब है यार, छोड़ दो। कट जाओ, अब तुम एक क्लास नहीं बोलोगी। ये पकड़ो, दुआएं अल्लाह ताला आपकी प्यारी पड़ी। चलो चलो यहाँ से। अब पहला ही बॉल वाइड, ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर, लेकिन खुश नहीं विकेट कीपर और बॉलर इस डिसीजन से एम्पायर के। खानी, मां को कुछ मत बताना प्लीज। और तुमने तो सारे पैसे दे दिए अपने, अब तुम अपना मोबाइल कैसे लोगी? आइंदा मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने नागवारी का इजहार किया।
सारा अब क्या किया तुमने? मामा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया ना। कुछ नहीं किया तुमने? मामा चार गनमैन वाली गाड़ी जा रही थी, उन्होंने एक रिक्शे को टक्कर मार दी, उसमें रिक्शा वाला नहीं बैठा था, ये पागलों की तरह उनके पीछे भाग रही थी, मैंने इतना रोका इसको। मैं पागल नहीं हूँ, तुम डरपोक हो। सारा कौन सा तरीका बड़ी बहन से बात करने का? हंसी मजाक अपनी जगह होता है, बट यू डोंट टॉक टू योर सिस्टर लाइक दैट। मैं डरपोक ही सही, लेकिन मामा हम कर भी क्या सकते हैं, देखे मेरे हाथ अभी तक कांप रहे। हाँ तो हम लोग डर के घर पे बैठे रहे और उन जैसे बदजात दरिंदे जो हैं बाहर फिरते रहे, ये तो बेवकूफी है ना। सारा मेरी जान, ना तुम गलत हो ना ही खानी, यार वो अपनी जगह सही और तुम अपनी जगह। बेटा भाई ठीक कह रहा है, हकीकत तो यही है ना कि ये अमीर माँ बाप के बिगड़े हुए बच्चे जो दिल चाहे करे, उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। पुलिस वाला भी यही कह रहा था कि हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। अच्छा चलो अब दोनों गुस्सा छोड़ दो, मैं खाना लगाती हूँ, जा सना को बुला। मुझे भूख नहीं है। खानी आपके बाकी दो कपड़े टेलर कल दे देगा, सारिन से मंगवा लीजिएगा। जी जी हाँ बात हुई थी, लेकिन अभी कोई कॉन्फर्मेशन बिल्कुल भी नहीं। नहीं 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 तुम स्टैंड बाय पे रहो, मैं तुमको बताती हूँ। हाँ ठीक, लेट मी कॉल यू बैक। मिठल जी बेगम सर, ये छोटे मीर की गाड़ी को क्या हुआ है? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे मिठल। छोटे मीर ने मना किया था। छोटे मीर ने मना किया था? मुझे क्यों नहीं बताया? तुम क्या छोटे मीर से ऑर्डर्स ले रहे हो? हादी ठीक है? जी बेगम साहब, छोटे मीर बिल्कुल ठीक है। तुम्हें तो मैं बाद में पूछूंगी ना। हादी, हादी बेटा,